भरतपुर में आज राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2022 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज भरतपुर न्याय क्षेत्र में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में हजारों लोग अपने प्रकरणों को लेकर पहुंचे। राष्ट्रीय लोक अदालत में 35 बैच बनाई गई। इन बैचों में 25,000 प्रकरणों को रखा गया, जिनमें प्री लिटिगेशन सहित न्यायालयों में लंबित प्रकरणों यथा धारा 138 प्रकार में विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, श्रम विवाद, पानी व बिजली के बिल, अन्य शमनीय पारिवारिक एवं अन्य सिविल विवाद एवं अपराध अंतर्गत धारा 138 प्रकार में विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एसटीएससी मामले, श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, उच्च न्यायालय में लंबित मजदूरी भत्ते और पेंशन भत्तों की संबंधित मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल मामले आदि संबंधित प्रकरणों के निस्तारण करने के लिए रखे गए। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारन की राजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। लोक अदालत में शीघ्र व सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं, सिविल कोर्ट के आदेश का तरफ पालना नहीं, कोर्ट फीस की वापसी, अंतिम रूप से निपटारा तथा समय की बचत होती है। प्राधिकरण सचिव अजय गोदारा ने पक्षकारन के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने प्रकरण के निस्तारण में सहयोग किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में भरतपुर न्याय क्षेत्र के समस्त न्यायालयों तथा मुख्यालय भरतपुर व उप मुख्यालय तालुका विधिक सेवा समिति डिग बयाना वेर रूपवास कामा नगर व नदमई तथा कुम्हेर भुसावर व उज्जैन स्थित न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से कुल 10,347 प्रकरणों को राजीनामा हेतु चिन्हित किया गया है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में जन उपयोगी सेवा, उपभोक्ता प्रतितोष, राजस्व व श्रम संबंधी प्रकरणों को भी रखा गया है। आज 14/5/22 को वर्ष 2022 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत है। पूरे जिले भर के अंदर इसके लेकर पक्षकारों में भारी उत्साह है, जिसको देखते हुए हमने 35 बेंच बनाई है। उन 35 बेंचों के अंदर कम से कम 25,000 प्रकरणों को रखा जाएगा और उसमें न्यायालयों में लंबित प्रकरण, न्यायालयों में दायर होने से पूर्व के प्रकरण, सिविल के प्रकरण, 138 NIA चेक बाउंस के प्रकरण, इसके अलावा नए प्रयोग करते हुए गृह कर से संबंधित प्रकरणों आदि को भी रखा गया है।